विद्या समुद्देश्य रीति वाक्य को समझा रहे हैं। जो विद्वान विनीत और विद्या संपन्न होता है वही विद्वान, मात्र पौरुष कार्यकारिणी सिंह के समान मारा जाता है, मात्र नीति कार्यकारी नहीं है, अशस्त्र शस्त्र भी शत्रु से पराजित कर दिया जाता है, बहादुर मनुष्य भी सहित नहीं है तो शस्त्र वाले से कर दिया जाता है, बुद्धिमान मनुष्य भी नीति शास्त्र ज्ञान के बिना शत्रु द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। फिर आपने पढ़ा आलोचन गोचर तृतीयोचर पुरुषण, तो जो पदार्थ का प्रयोजन नेत्र से प्रतीत होता है उसको प्रकाश करने के लिए शास्त्र मनुष्य का तीसरा नेत्र, शास्त्र मनुष्य का तीसरा नेत्र है, तृतीय नेत्र है। तो पुरुषास्त्री उपाय में भी आगम को नेत्र कहा है, और कुंद कुंद सोमने आगम चक्कु साहु, ठीक है। अब यहां कह रहे हैं कई बार, देखो मित्र कई बार अपने जीवन में आप वेदन करोगे, आज हम आपको सुना दे रहे हैं शहर सागरी, कई बार तुम वेदन करो जीवन में, आज हम आपको सुना रहे हैं, और आप न वेदन करो तो आज की तारीख नोट कर लेना, जिस विद्या को आप नहीं जानते उस विद्या में तुम अंधे हो। जैसे कि सुप्रसाद याद है आपको, गर्मी का मौसम था, संग एक जगह रुका हुआ था टी लेक पास, वहां ट्रक के ट्रक ट्रोला के ट्रॉली मिट्टी के भरके जा रहे थे, मिट्टी के भरके जा रहे थे, मिट्टी वो मिट्टी सामान नहीं थी, हाँ उस मिट्टी में खनिज था, वो खनिज की मिट्टी थी, उसमें मैंगनीज, उसमें कॉपर, बहुत सारे खनिज थे, वो मिट्टी वहां से जा रही थी, मालूम किया विदेशों में जाती है, वहां से खनिज निकाला जाता है, अपने देश में निकलता है। तो कितने पर्वत का आपको दिखा के लाए जिनसे लोहा निकल रहा है, हीरे की जमीन आपको हम दिखा के लाए पन्ना में, ठीक है। अब ये इससे पकड़ना, वो जो मिट्टी जा रही थी, वो रहने वाले जिनके खेतों से मिट्टी जा रही थी, वे तो सामान्य मिट्टी जा रही, मिट्टी जा रही, मिट्टी की जाम में जा रही मिट्टी, पर जिसे मालूम था वो मिट्टी में क्या दिख रहा है, खनिज। ऐसे ही जो व्यक्ति पति पत्नी का सुख भोग रहे हैं, सुने कि नहीं आप ध्यान से, पति पत्नी का सुख भोग रहे हैं, वे ऐसे हैं पन्ना के खेतों में खेती कर रहे हैं, पन्ना के खेतों में कोई ब्रजपुर इटमा वगैरह जी चाहते हीरा भरे हुए, ठीक है मजुमा, तो वहां हीरा भरे हुए जमीन में, तो परंतु आज जो किसान वो खेती कर रहे हैं, उन्हें हीरे मिले से कोई मतलब नहीं है, उन्हें ज्वार बाजरा उगाना है, गेहूं आदि आदि फसल निकाल रहे, ठीक है ना, वे निकाल भी नहीं पाएंगे, तो हीरा निकालने के लिए पैसा चाहिए बहुत, अब बहुत हीरा निकालने के लिए बाहर के लगे हुए लोग, और निकले रहने के लिए कोई नियत नहीं है, परंतु बाजरा वो निकल भी आएगा आने में से सब। ऐसे ही जो संसार के सुख भोग रहे हैं भी हीरे की जमीन में खेती कर रहे हैं, खनिज निकालने के लिए ताकत चाहिए, खनिज निकालने के लिए बुद्धि चाहिए, पैसा चाहिए, ऐसे आत्म खनिज आत्म धातु को शुद्ध करने के लिए ताकत चाहिए, चार्त चाहिए, ध्यान की अग्नि चाहिए, तब खनिज निपट होगा, नहीं तो इस खनिज की जमीन पर तुम भोगों की खेती करो,
खेती कर रहे हो। अब माना कि जितेंद्र सागर जी, अरे जितेंद्र बीज तो हमारे पास, तो मतलब यहाँ की बात में कोई साधक लग जाए, ठीक है, ओहो तुम्हें भूमि तो मिली थी खनिज वाली, तो उसमें बोझ रहे ऐ बेसन की खेती कर रहे हैं। जयंत सागर जी, भूमि तो मिली थी बढ़िया खनिज वाली, पर तुम्हारे पास शक्ति नहीं है खनिज निकालने की, उसमें बेसन की खेती कर रहे हो, बेसन की खेती कर रहे हो, बेसन की खेती कर रहे हो। बेसन में लकड़ी, बेसन की फसल अपने आप उजाड़ा। आइए समझ में आ रहा ना, दृष्टांत राष्ट्रांत व्याप्ति। क्या व्याप्ति घट रही है तो दृष्टांत ही नहीं बनेगा, जो व्यक्ति सम्यक सागर शास्त्र नहीं पढ़ता, गुरु आज्ञा के तत्व में नहीं जीता, वह जीव चक्षुष्मान होने पर भी अंधेव अंधा ही है। जिस शास्त्र ज्ञान नहीं है वे आंखों से धोने पर भी अंधे ही है। बोले कैसे, वो मैं मिट्टी क्यों बताई हमने, वहां की कटने की मिट्टी इसलिए बताई उसमें खनिज है, पर ज्ञान नहीं है उन्हें मिट्टी है। कनक गिरी गए तो सुगंध आ रही थी, बोले क्यों, वहां लोग ताप रहे थे चंदन की लकड़ी से। अभी तुम शास्त्रों पढ़ते थे ना मरियागिरी की भिलनिया लकड़ी जाए, हम देख के आए आंखों से नेत्रों से, वो मरियागिरी है कनक गिरी, वो पूरा मरियागिरी। तो वहां के लोग चंदन की लकड़ी से पीयूष है, पहले तापते होंगे। अरे अभी हो तो क्या कर सकते आप, तो अब यहां पकड़िए, आपके घर में क्या भगवान नहीं है, मंदिर के भगवानों को पूजने वाले तो कोटि कोटि भक्त हैं, तुम्हारे घर में और तुम्हारे नहीं आप घर में भगवान है इसे जानने वाले कितने से लोग हैं। इसलिए अनधीत शास्त्र चक्षुष्म भी मन अंधे हो, अंधा ये है, अंधे मनुष्य कुछ भी नहीं देख पाते हैं, इसी प्रकार शास्त्र ज्ञान से भीन व्यक्ति हे उपाधेय को नहीं समझ पाते हैं, उन्हें जिसने जैसा समझा दिया वैसे ही करते खड़े हो जाते हैं। वो ज्ञानी जीव किसी को सुन के नहीं करता है, अपनी बुद्धि से करता है। इसलिए सुनो विशेष आगे विचार करते हैं। अब बहुत